नमस्कार, शाम के 7 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है फास्ट एंड फैक्ट्स का। फास्ट एंड फैक्ट्स में आपको दिखाएंगे दिन की हर बड़ी खबर पूरी रिसर्च के साथ। मैं हूं अदिति अवस्थी और मेरे साथ हैं विद्यानाथ झा। नमस्कार। कल से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है। नोट बैन और कुछ दूसरे मुद्दों पर इसके हंगामेदार रहने के आसार। शीतकालीन सत्र से पहले आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। पीएम मोदी भी इसमें शामिल हुए। बैठक में शीतकालीन सत्र का कामकाज शांति से हो, इस पर बातचीत हुई। हालांकि नोट बैन के अलावा सर्जिकल स्ट्राइक, कश्मीर के हालात, पाकिस्तान से संबंध, ट्रिपल तलाक और वन रैंक वन पेंशन जैसे मुद्दों पर सत्र के हंगामेदार रहने की आशंका है। वैसे ही जो काले धन, भ्रष्टाचार और जाली नोट और उसके ऊपर पनपने वाले आतंकवाद के खिलाफ भारत सरकार ने एक मुहिम छेड़ा है, एक संघर्ष छेड़ा है, उसमें भी सबको सहयोग देना चाहिए। कांग्रेस ने नोटबंदी पर सत्र के पहले दिन काम रोको प्रस्ताव लाने का नोटिस दिया है। संसद का शीतकालीन सत्र 16 नवंबर से 16 दिसंबर तक चलेगा। शीतकालीन सत्र में कुल 22 दिन कामकाज होगा। शीतकालीन सत्र में जीएसटी और सरोगेसी रेगुलेशन समेत 9 बिल पेश होने हैं। शीतकालीन सत्र के तुरंत बाद यूपी सहित 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और यही वजह है कि इस सत्र में ना तो सरकार झुकने के पक्ष में है और ना ही विपक्ष पीछे हटने को तैयार है। नोट बैन को लेकर सियासत जारी है। सरकार के फैसले के खिलाफ कल 3 पार्टियों के नेता राष्ट्रपति भवन तक मार्च करेंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला कल राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात करेंगे, लेकिन बाकी विपक्षी दल इससे दूर रहेंगे। इससे पहले आज विपक्षी दलों ने बैठक कर काले धन पर बैन के खिलाफ रणनीति बनाई। हालांकि आम आदमी पार्टी, AIADMK और बीजू जनता दल इससे गायब रहे। तो हम लोग जाएंगे और जनता का बात हम करेंगे। देखिए, हम लोग पूरा ब्लैक मनी का खिलाफ और आदमी है देश का, लेकिन ब्लैक मनी का नाम पे जैसा पब्लिक को, आम जनता को, जैसे आम आदमी को जैसे दुखी हो रहा है, आम आदमी को जैसे तकलीफ उठा रहा है, आम आदमी को जैसे हैरास कर रहा है, हम लोगों के खिलाफ में है। इस बीच अखिलेश यादव ने ब्लैक मनी पर विवादित बयान दिया। कहा, आर्थिक मंदी के वक्त काले धन ने ही देश के हालात संभाले थे। मैं खिलाफ हूँ काला धन ना आए। कभी कभी अर्थव्यवस्था के जो बहुत बुद्धिजीवी हैं, वो ये कहते हैं कि रिसेशन हो या कभी कभी जो दुनिया की वजह से जो अर्थव्यवस्था खराब होती है देशों की, तो कभी कभी अर्थशास्त्री ये कहते हैं क्योंकि काला धन की हमारी इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है, इसकी वजह से अर्थव्यवस्था पे वो असर नहीं दिखाई देता है जो अर्थव्यवस्था में कभी कभी नुकसान वाला आता है। तृणमूल कांग्रेस ने सबसे पहले सरकार के फैसले की आलोचना की, इसे तुरंत वापस लेने की मांग की। आम आदमी पार्टी ने शुरुआत में कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन बाद में विरोध किया। कांग्रेस ने पहले सरकार के फैसले की तारीफ की, लेकिन बाद में विरोध करने लगी। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने फैसले की तारीफ की, लेकिन अब उनकी पार्टी विरोध कर रही है। ममता केजरीवाल और उमर अब्दुल्ला कल दोपहर 1:30 बजे राष्ट्रपति भवन तक पैदल मार्च करने वाले हैं। बैंकों के बाहर भारी भीड़ को कम करने के लिए केंद्र सरकार ने कुछ नए फैसले किए। नोटबंदी के बाद बार बार पैसा बदलवाने और खाते से निकालने के लिए बैंक में पहुंच रहे लोगों की उंगली पर स्याही लगाई जाएगी। इसकी शुरुआत शहरी इलाकों से की गई है। सरकार की दलील है कि ऐसा करने से उन लोगों की पहचान हो सकेगी जो बैंक से पहले भी पैसा निकाल चुके हैं। सरकार के मुताबिक बार बार बैंक आने वाले कुछ लोगों की वजह से ही भीड़ कम नहीं हो रही है। Just as when you cast your vote and there is an indelible ink mark which is put, so it has been decided to use that facility. कोई सरकारी अस्पताल या मेडिकल स्टोर 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट नहीं लेता तो उस पर कार्रवाई हो सकती है। मंदिरों और ट्रस्ट से जमा होने वाले पैसे पर नजर रखी जा रही है। सरकार ने मंदिरों को छोटे नोट और सिक्के भी बैंक में जमा कराने को कहा है। सरकार जनधन खातों पर भी नजर रखे हुए है ताकि इसमें काला धन न जमा हो पाए। जनधन के जिन खातों में 50,000 के बजाय 49,000 रुपए जमा हुए हैं, उन पर भी सरकार की नजर है। सरकार ने जनधन खाता धारकों से अपील की है कि वो अपने अकाउंट में किसी का काला धन जमा न कराएं। काले धन के खिलाफ मुहिम में आज पीएम मोदी को अपनी मां का साथ भी मिला। पीएम की बुजुर्ग मां हीराबेन भी आज नोट बदलवाने के लिए बैंक पहुंची।
97 साल की हीराबेन परिवार के लोगों के साथ कुछ दूर तक तो पैदल चलकर आईं, लेकिन ज्यादा दिक्कत होने पर उन्होंने व्हीलचेयर का सहारा लिया। गांधीनगर के ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स की ब्रांच में उन्होंने 4,500 रुपए के नोट जमा किए। पहचान पत्र की कॉपी दिखाने के बाद अंगूठा लगाया और पुराने नोट के बदले नए नोट हासिल किए। नोट बदलवाने के बाद उन्होंने 2,000 का नया नोट भी दिखाया। हम सब साथ में आए हैं, बरोबर, ये अच्छा है। उन्होंने कोई अपनी तरीके से कोई वीवीआईपी ट्रीटमेंट नहीं ली है, साधारण नागरिक की तरह वो आए हैं, बहुत खुशी की बात है। वीआईपी कल्चर के खिलाफ संदेश देने के मकसद से पीएम की मां आम लोगों की तरह बैंक आईं। बुजुर्ग होने की वजह से उन्हें बैंक के बाहर लाइन में नहीं लगना पड़ा। हीराबेन अपने सबसे छोटे बेटे पंकज मोदी के साथ गांधीनगर में रहती हैं। पंकज मोदी गुजरात सरकार के कर्मचारी हैं। बैंक जाकर पीएम की मां ने यह संदेश दिया कि वो बुजुर्ग होकर भी काले धन पर सरकार की कार्रवाई में थोड़ी मुश्किल सहने को तैयार है। नोटबंदी वापस लेने की मांग सुप्रीम कोर्ट ने ठुकरा दी है, लेकिन लोगों की परेशानी को लेकर सरकार से जवाब तलब किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि नोट बैन होने की वजह से लोगों को कोई परेशानी न हो। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से हलफनामा मांगा है। सरकार का पक्ष रखते हुए अटॉर्नी जनरल ने कहा, कालाधन अर्थव्यवस्था और देश को अस्थिर करता है। नोट बैन के बाद 3,00,000 करोड़ रुपए से ज्यादा अलग अलग बैंकों में जमा किए गए हैं। दिसंबर के आखिर तक 11,00,000 करोड़ रुपए जमा होने की उम्मीद है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात से ये आदेश दिया है गवर्नमेंट को कि आपने इस डिसीजन को लेते हुए जो जो इसके वजह हैं, जिन वजहों से आपने डिसीजन लिया और इसको लेकर क्या तैयारी की थी, उन बातों को आप एक एफिडेविट के तहत हमारे सामने लेकर आए। इस मामले में अगली सुनवाई 25 नवंबर को होगी। 8 नवंबर को पीएम मोदी ने देश के नाम अपने संदेश में 500 और 1,000 के नोट पर पाबंदी लगाने का ऐलान किया। 9 नवंबर से 500 और 1,000 के पुराने नोट चलन से बाहर हो गए। लोग 500 और 1,000 के नोट 30 दिसंबर तक बैंक और डाकघर में जमा करा सकते हैं। 30 दिसंबर तक भी अगर आप बैंक और डाकघर में 500 और 1,000 के नोट जमा नहीं करा पाए तो उसके बाद 31 मार्च तक आरबीआई में जमा करा सकते हैं। जरूरी सेवाओं के लिए पुराने नोट का इस्तेमाल 24 नवंबर तक किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने आज ये भी कहा कि अगर प्राइवेट अस्पताल पुराने नोट नहीं ले रहे हैं तो उन्हें बैंक ड्राफ्ट दिया जा सकता है। 500 और 1,000 के नोट बैन के बाद भारी मात्रा में सोने की बिक्री करने वाले ज्वेलर्स पर अब सरकार की नजर है। सूत्रों के मुताबिक सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स के एक्साइज इंटेलिजेंस विभाग ने सभी ज्वेलर्स की दुकानों की सीसीटीवी फुटेज मांगी है। दिल्ली में दरीबा कला और करोलबाग के कुछ ज्वेलर्स की सीसीटीवी फुटेज को जब्त भी किया जा चुका है। आयकर विभाग की सख्ती के बाद दिल्ली में आज लगातार 5वें दिन भी ज्वेलर्स की दुकानें बंद हैं। 10 नवंबर के बाद से आयकर विभाग लगातार ज्वेलर्स के यहां छापेमारी कर रहा है। 8 नवंबर को नोट बैन की घोषणा के बाद ज्वेलर्स की दुकानें रात भर खुली रहने की खबरें आई। 8 नवंबर की रात सोना पुराने नोट के बदले 50,000 रुपए तक बिका। काले धन को ठिकाने लगाने के लिए लोगों ने बड़ी मात्रा में सोना खरीदा। 2,00,000 रुपए से ज्यादा का सोना खरीदने के लिए पैन कार्ड देना जरूरी है। इस बात की भी जांच हो रही है कि कहीं ज्वेलर्स ने ग्राहकों को पैन के इस्तेमाल से बचाने के लिए कम कीमत के कई टुकड़ों में सोने की बिक्री तो नहीं की। नोट बैन के बाद कश्मीर में पत्थरबाजों और अलगाववादियों को बड़ा झटका लगा है। खुफिया एजेंसियां कई बार इस बात का खुलासा कर चुकी हैं कि कश्मीर के नौजवानों को उकसाकर उनसे पैसों के बदले पत्थरबाजी कराई जाती है। नोट बैन की वजह से इन लोगों के मंसूबों पर पानी फिर गया है। खुद रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने इस बात को माना। रक्षा मंत्री के मुताबिक 8 नवंबर के बाद से कश्मीर में एक भी पत्थर फेंकने की घटना नहीं हुई है। सुरक्षा बलों पर पत्थर फेंकने के लिए 500 रुपए और आगजनी करने के लिए 1,000 रुपए दिए जाते थे। प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकी फंडिंग को बिल्कुल जीरो पर लाकर खड़ा कर दिया है। अब पत्थरबाजों को पैसे नहीं मिल रहे हैं। गृह मंत्रालय के सूत्रों का भी दावा है कि नोट बैन के फैसले के बाद कश्मीर के हिंसा में कमी आई है। Cancellation of tender value of 500 and 1,000 notes is a measure taken by the government to check the misuse of these high value notes by the sponsors of terror and also the black money holders. 8 जुलाई को हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद से कश्मीर में तनाव के हालात हैं। बीते 4 महीने में पत्थरबाज लगातार सुरक्षा बलों को निशाना बनाते रहे हैं। तनाव के माहौल को बरकरार रखने के लिए इस दौरान कई सरकारी इमारतों और स्कूलों को भी आग लगाई जा चुकी है।
अलगाववादी कश्मीर के नौजवानों को पत्थर फेंकने के बदले 500 और आगजनी के लिए 1000 रुपए देते हैं। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि नोटबंदी से नकली करेंसी पर भी काफी हद तक रोक लग जाएगी। 500 और 1000 रुपए के नोट बैन होने की वजह से न सिर्फ कश्मीर के अलगाववादी बल्कि देश के अलग अलग राज्यों में मौजूद नक्सलियों की भी कमर टूट गई है। झारखंड और छत्तीसगढ़ में नक्सली 500 और 1000 के नोट बैन होने से काफी परेशान हैं। सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक नक्सली अब स्थानीय लोगों को कालाधन उनके जनधन अकाउंट में जमा कराने के लिए धमका रहे हैं। पेंशन से जुड़े खातों में भी कालाधन जमा कराने का दबाव बनाया जा रहा है। ऐसे लोगों पर नजर रखी जा रही है जो बड़ी मात्रा में बैंक खातों में पैसा जमा करा रहे हैं। झारखंड पुलिस ने कुछ ऐसे लोगों पर कार्रवाई की है जिन पर नक्सलियों को पैसा बैंकों में जमा कराने का शक है। देखिए, अगर ऐसी जानकारी राज्य पुलिस के पास अगर आती है तो राज्य पुलिस निश्चित तौर पर इस पर कार्रवाई करेगी। और जहां तक मुझे जानकारी है कि ऐसे कुछ मामले पकड़ में भी आए हैं, इस पर इंटेलिजेंस एजेंसीज की भी निश्चित तौर पर नज़र हो और CRPF को इसके बारे में अगर जानकारी मिलेगी तो हम लोग निश्चित तौर पर इसमें कार्रवाई करेंगे और प्रोएक्टिवली कार्रवाई करेंगे। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में नक्सलियों का सालाना बजट 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा का है। नक्सलियों के इस बजट में बिहार से 200 करोड़ और छत्तीसगढ़ में 150 करोड़ रुपए का योगदान दिया जाता है। सूत्रों के मुताबिक कुल बजट में से करीब 60 करोड़ रुपए हथियार खरीदने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। नक्सली अवैध वसूली के जरिए पैसा इकट्ठा करते हैं। नक्सली अवैध वसूली के जरिए इकट्ठा पैसों को जंगलों में छिपाकर रखते हैं। नोट बैन की वजह से अब ये रुपए महज कागज के टुकड़े रह गए।